नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की। मणिपुर की हिंसा के विरोध में अब ताजनगरी आगरा सहित पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मणिपुर की हिंसा के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष महेश कुमार जाटव के नेतृत्व में युवाओं ने ग्वालियर हाईवे पर कैंडल मार्च निकाला है और जिलाध्यक्ष महेश कुमार जाटव ने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयन चौधरी मणिपुर पहुँच चुके हैं और वह जनता की लड़ाई में, उनके हक की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। कैंडल मार्च के दौरान ग्वालियर हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई। इस मौके पर मौजूद रहे मुकेश कुमार भगौर, नेमी चंद, हरीश मुनिंद कुमार, राजेश जाटव, राजीव कुमार आदि कभी बड़ी संख्या में देखिए किस प्रकार ग्रामीण और युवा मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि आगरा जगनेर रोड स्थित कस्बा मलपुरा में भी मणिपुर हिंसा को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। कप्तान सिंह बगौर, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश, जिला उपाध्यक्ष के पी चाहर, नरेंद्र पटेल, वीरेंद्र काका, सोनू भाई, अरुणेश राजपूत सहित बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में जगह जगह मणिपुर की घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और इसी कड़ी में लोकदल के नेताओं का कहना है कि जयंत चौधरी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में मणिपुर की घटना के विरोध में देखिए जगह जगह किस प्रकार विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया जा रहा है। किरावली में भी देखिए किस प्रकार कैंडल मार्च किया गया। वहीं रालोद के नेताओं ने कहा कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी, चौधरी दलीप सिंह, दाताराम लोधी, सोनू महार, अरमान कुरैसी, गंगाराम महार, सतवीर चार, भूपेंद्र सिंह आदि लोगों ने देखिए किस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया है। तो खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। तो आइए जानते हैं। मैं महेश कुमार जाटव, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, माननीय चौधरी साहब, चौधरी जयंत सिंह जी के आह्वान पर हमने आज NH3 ग्वालियर आगरा ग्वालियर हाईवे पर यह कैंडल मार्च निकाला है और हमारा साफ संदेश है कि मणिपुर की उन बहनों के साथ अत्याचार हुआ है, जिस कुकी समाज के साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल पुरजोर तरीके से खड़ा हुआ है। माननीय चौधरी साहब हमारे मणिपुर में हैं और इम्फाल में गए हैं और वहाँ पर आज राज्यपाल से भी मिले हैं और सारी सभी जगह जा रहे हैं, वहाँ की सिचुएशन को पता लगा रहे हैं और आम नागरिक से वो आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वहाँ पे शांति बहाल की जाए। पूरे जिले के अंदर आज मणिपुर की घटना को लेकर पूरा जिला नहीं पूरे प्रदेश के अंदर आज कैंडल मार्च समय 7 बजे से निकाला गया है और आगे भी हम पूरी तैयारी के साथ हैं। अभी 3 दिन पहले हमने 28 तारीख को मणिपुर की घटना को लेकर के हमने DM साहब को ज्ञापन दिया था माननीय राज्यपाल व राष्ट्रपति महोदय के नाम और उस पर भी हमने उसमें मांग रखी थी कि मणिपुर में जो घटना घटी है उनको उचित मुआवजा दिया जाए, मणिपुर की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए।